हाँ जी, वेलकम टू द चैनल एज ऑलवेज। एंड ये वही वाला रूम है जो मैंने पिछली बार बताया था कि सबसे ज़्यादा शोर करता है। ट्राई तो देखो, भूलते ही शोर हो गया। ट्राई तो मैं वही कर रहा था कि उस रूम में जाके दोबारा शूट किया जाए, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो यहीं पर ठीक है, जो भी है यहीं करेंगे। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं एंड दिखाता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हैं आप लोगों के लिए। लिंक्स आर ऑलवेज इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो। गला थोड़ा सा ख़राब है। भाई कितना शोर करते हैं बच्चे यार। फर्स्ट शू मेरे पास है रेड टेप का, एंड ऑब्वियसली शूज की बात हो रही है तो रेड टेप कैसे मिस हो सकता था। सबसे पहला बॉक्स इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, एंड ये काफी नॉर्मल सा बॉक्स है। इसके जो बॉन्ड स्ट्रीट करके जिस तरीके की जो इनकी यू नो कैटेगरी आती है, उनके शूज के जो बॉक्स होते हैं वो अलग होते हैं। इसके अंदर देखते हैं एक्चुअली में क्या है। फर्स्ट शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ चॉकलेट ब्राउन लोफर। अब लोफर इसलिए मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है इस हॉल में रखना, क्योंकि काफी लोग डिमांड करते हैं कि अपने ब्लैक शूज दिखा दिए, व्हाइट शूज दिखा दिए, लेकिन अपने ब्राउन और जो नॉर्मल शूज होते हैं वो कवर नहीं करें। तो आप लोगों के लिए वाली वीडियो है। सबसे पहला शू है चॉकलेट कलर का लोफर, इस तरीके का दिखता है। बहुत अच्छी फिनिश है शू की, एंड ऊपर काफी सॉफ्ट लेदर आपको देखने को मिलता है। अगर प्रॉपर इसकी बात करो तो ये UK 9 साइज है, एंड अंदर की जो पैडिंग है वो भी काफी अच्छी है। इस तरीके का शू है, एंड आई थिंक अगर जैसे अब बहुत सारे फंक्शंस आने वाले हैं, सगन आने वाला है, शादी आने वाली है, शादी पे तो नहीं, प्रॉब्ली सगन और बाकी फंक्शंस पे आप इन शूज को ट्राई कर सकते हो अपने आउटफिट के साथ। ये उन लोगों को मैं ज्यादा रेकमेंड करूंगा जो थोड़े से क्लासी साइड पे जाना चाहते हैं, इस बार अपने आउटफिट को थोड़ा सा अलग हटके दिखाना चाहते हैं, प्लस थोड़ा सा एक अच्छा लुक अपनी पूरी आउटफिट में देना चाहते हैं। इसकी बनावट की बात करूं तो रेड टेप मुझे कभी भी ऐसी गुंजाइश छोड़ता नहीं कि मैं उसके बारे में कुछ बुरी चीज बोल पाऊं, तो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शू। अंदर जो आप फोम देखते हो, दिस इज नॉट मेमोरी फोम, बट हाँ एक तरह की कुशनिंग आपको दे रखी होगी अंदर इस तरीके से। एंड ये प्रॉपर शू आपको काफी सस्ते रेट पे अमेजोन पे मिल जाएगा, अगेन लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके आप खरीद सकते हो इसको। नेक्स्ट आ जाता है अगेन एक अफोर्डेबल ब्रांड, द हाउस ऑफ, खुद का अमेजोन का ब्रांड है आई थिंक। ये सिंबल करके आता है, इस तरीके का इसका बॉक्स होता है। सिंबल के जितने भी शू बॉक्स होते हैं ना, इसी तरीके में आपको देखने को मिलेंगे। एंड जो नेक्स्ट शू मैंने मंगवाया है वो भी ब्राउन कलर का ही है, बट थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा टच है। अगर आप एक ऐसा शू देख रहे हो जो कि कैजुअल वेयर है एंड काफी सेक्सी एंड स्नीकी प्रॉपर है, दिस इज द शू फॉर यू। अगर आपको याद होगा इसका एक ब्लैक वर्जन भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बट जब मैंने ब्राउन देखा था, पहले मेरा ब्राउन का भी मन था लेकिन मैं वो स्पेसिफिकली ब्लैक शूज के ऊपर वीडियो थी तो मैंने उसमें इसको इंडल्ज नहीं किया। सेम बिल्कुल सेम ये वाली चीज़ मैंने मंगवाई थी, एंड आई थिंक 610 या 650 के अंडर अंडर आपको ये वाला शू देखने को मिलेगा। लिंक आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हो। एंड उसी के साथ साथ अगर आप इतने ऑफलाइन मार्केट में भी जाओगे ना, 200-300 वाले शूज से तो इसकी अच्छी क्वालिटी है ही है। साथ ही साथ आपको एक अमेजोन का जो यू नो ट्रस्ट होता है वो भी मिल जाता है, प्लस सिंबल इज अ गुड एंड यू नो बेस्ट सेलिंग ब्रांड ऑफ अमेजोन। इसके जो कपड़े होते हैं वो भी काफी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, एंड साथ ही साथ जो इसके शूज हैं, मैं खुद पर्सनली एक चेल्सी बूट मंगवाया था, वो अभी तक चल रहे हैं, मेरे 3 से 4 साल हो गए। ऑल्दो उसकी लुक मुझे इतनी पसंद नहीं आती इसलिए मैंने उनको पहनना छोड़ दिया, वो उस टाइम पे मुझे अच्छे लगे थे, बट ये एक वर्सेटाइल ऑप्शन है अगर आप सालों साल एक शू को चलाना चाहते हो। ऑल्दो कुछ टाइम में आपके यूज पे डिपेंड करता है, अगर आप बहुत ज्यादा रगड़ इनको यूज करोगे तो कुछ टाइम में खराब भी हो सकते हैं, बट या आप 610 रुपए दे रहे हो, अगर उसके हिसाब से आप नॉर्मल कैलकुलेशन भी करो ना तो बहुत सही आपके पैसे बच जाएंगे यहाँ पे। एंड अगेन जो इसका मटेरियल काफी अच्छा है, अंदर आपको हल्की सी कुशनिंग देखने को मिलती है, ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा कुशनिंग है, बट अगर प्राइस पॉइंट देखा जाए और देखा जाए कि ओवरऑल जो एस्थेटिक है पूरे शू की कितनी अच्छी है, उसके हिसाब से आई एम रेडी टू पे इवन 700 bucks फॉर दिस शू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप खरीद सकते हो। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि अमेजोन के ना 31 अक्टूबर तक बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो आपको क्या पता ये वाला जो शू है पर्टिकुलर, इस पे और ज्यादा अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए, तो वो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप अपनी डील को ग्रैब करते हो। अपनी आंख को टिका के रखना ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में, क्योंकि मैंने तो इस बार बहुत अच्छी तरीके से शॉपिंग करी है, एंड जो जो मैंने लिया है ना वो इतने अनबिलीवेबल प्राइस पे है कि भैया लोग सर फोड़ रहे हैं, भैया इतने सस्ते चीजें तुमने मंगवा कैसे ली। एंड आपके पास ये मैं हैक दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आप भी ऑर्डर कर सकते हो। नेक्स्ट ब्रांड जो हमारे पास आ जाता है इस अगेन रेड टेप। अब आप बोलोगे और रेड टेप ने तो स्पॉन्सर कर दिया, बट रेड टेप के एक्चुअली जो शूज होते हैं ना वो अफोर्डेबल होते हैं, बजट फ्रेंडली होते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि सब लोग यार अफोर्ड नहीं कर सकते। एडिडास, न्यू बैलेंस, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं, तो उनके लिए ये सारे ब्रांड्स मैं रिकमेंड करता हूँ ताकि आप लोगों को पॉकेट में भी भारी ना पड़े, प्लस आपको एक स्टाइल अच्छा सा देखने को मिल जाए। तो रेड टेप का जो अगला जो मेरे पास है इसका नाम है RTE 314। ऑफ वाइट सीरीज में आ जाता है, स्नीकर है, बट जस्ट लुक एट द स्नीकर एंड आपको मजा आ जाएगा। दिस इज द स्नीकर, ऑफ वाइट कलर का है, प्रॉपर वाइट नहीं है, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरे में, आई होप कि कैमरा जस्टिस कर रहा हूँ। एंड काफी लाइट वेट शू है इसके, जो पर्टिकुलरली जो पहले मैंने व्हाइट स्नीकर्स मंगवाए थे एंड व्हाइट शूज के ऊपर जो पहले वीडियो बनाई है ना, उस पर एक जो शू था रेड टेप का वो बहुत ज्यादा भारी था, जस्ट बिकॉज ऑफ द सोल, एंड वो भी अच्छा है क्वालिटी वाइज, क्योंकि जो सोल होती है वो हैवी ही होनी चाहिए मेरे साथ, थोड़ा सा जूता भारी हो
हो जाता है, बट स्टिल जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन करके रखी हुई थी। एंड इसका कलर और जो नीचे की सोल का कलर है वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। जो लोगो है वो भी सेम कलर का रखा है, विच इज रियली गुड। एंड इसको अपने कैजुअल आउटफिट के साथ इतने अच्छे से पहन सकते हो जितने अच्छे से यार दिल्ली की सरकार चल रही है और बिजली फ्री है, कुछ भी। इसका जो MRP है वो 4699 का है, विच मीन्स 5000 का ये MRP है इस शू का, बट आपको ये काफी अच्छे प्राइस पे देखने को मिल जाएगा। एंड अभी मैंने अमेजोन पे चेक किया है तो 1074 इसका आ रहा है। 1100 के अंदर आपको एक वाइट स्नीकर, वो भी इस क्वालिटी का, खास करके एक ब्रांडेड स्नीकर मिल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आपको ये डील मिस करनी चाहिए। अगर इसके सोल की बात करूँ तो अगेन सोल में हल्का सा कुशनिंग आपको देखने को मिलेगी, एंड रेड टेप की ब्रांडिंग अगेन अंदर है, पीछे है, यहाँ पर है और साइड में इनका लोगो आता है। मतलब मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड है, बट स्टिल रेड टेप इज रेड टेप। अब इन शूज पे अपनी आईज रखना, एंड क्या पता आपको मुझसे भी अच्छी डील मिल जाए और आप इससे मजे ले पाओ। लास्ट शू का पेयर जो मेरे पास है, एंड हमेशा मैं अच्छी चीज जो होती है ना वो लास्ट में बचा के रखता हूँ, विच इज अ न्यू बैलेंस शू। ये थोड़ा ना रनिंग टाइप में ज्यादा आ जाता है, ये सबके लिए नहीं है, जो जिम वगैरह जाते हैं या रनिंग वगैरह पे जाते हैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली। मुझे ये शू देखने में कूल लगा इसलिए मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। इस शू का पर्टिकुलरली नाम है न्यू बैलेंस MS 109, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। एंड अभी शू आपको दिखाता हूँ किस तरीके का है। न्यू बैलेंस एक ऐसा ब्रांड है जिसके शूज मैंने बहुत सालों से, आई थिंक ये एक ऐसा स्पोर्ट्स ब्रांड भी है जो मैंने सबसे ज्यादा यूज किया अपने पास्ट में भी, और जिसका एक व्हाइट कलर का पेयर मेरे पास पड़ा है, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। मुझे उससे प्यार है। शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दिस इज MS 109। न्यू बैलेंस की आपको ब्रांडिंग यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी देखने को मिलेगी। भाई पंख जैसा शू है, बिल्कुल ऐसे प्रॉपर आपको लगेगा आपने कुछ पहना ही नहीं है पैरों में इसको, ऐसे क्या पता चिड़िया के हाथ में लगा दे दोनों तरफ और शायद उड़ भी पाए। क्वालिटी इज रियली अमेजिंग, लुक एट द शू। एंड इस तरीके का ये दिखता है आपको, पीछे हल्का सा अच्छी डिजाइनिंग के साथ साथ आपको यहाँ पे ब्रांडिंग भी मिल जाएगी न्यू बैलेंस की। एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था MS 109 यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर इसके सोल की बात करूँ तो मेमोरी फोमिश टाइप की है, प्रॉपर मेमोरी फोम नहीं है, बट या इट्स रियली कंफर्टेबल। एंड अगर इस प्राइस में आपको एक लाइट वेट शू देखने को मिल रहा है ना, जो मतलब आप जिससे खेल भी सकते हो, जो मतलब अगर आपको मम्मी आपकी देखे मारे तो आपको यू नो दर्द भी ना हो, आप मंगवा लो, मेरे हिसाब से हर जगह से बच के रहोगे। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि और भी बहुत सारी वेबसाइट्स पे आपको न्यू बैलेंस के शूज देखने को मिलेंगे, लेकिन न्यू बैलेंस की कहीं ना कहीं आपको कॉपीज भी देखने को मिल सकती है। एंड उसकी जो पहचान होती है ना वो आपको यहाँ लोगों से करनी पड़ती है। लोगों में यहाँ पर प्रॉपर लिखा होना चाहिए NB, यहाँ पर इनकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ बारकोड भी है, तो आप इनकी वेबसाइट पर भी स्कैन करके देख सकते हो कि आपका जो शू का पीस है वो ओरिजिनल है या नहीं। मैंने इसको कर लिया है ऑलरेडी तो मेरे को पता है कि ओरिजिनल है। एंड अगेन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से अगर आप खरीदना चाहते हो तो। इसकी अगर मैं सोल की प्रॉपर बात करूं तो काफी कुशनी एंड प्रॉपर अच्छे तरीके की सोल है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोल ये लाइट है। एंड यही अगर रेड टेप की बात करूं ना, वो प्रॉपर भाई रबराइज सोल डालते हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा जूता भारी रहता है। स्नीकर्स में दे आर एब्सोल्युटली गुड, लेकिन अगर स्पोर्ट्स शूज में बात करूं तो उनको शायद नहीं डालना चाहिए, एंड आई डोंट थिंक वो डालते हैं। स्पोर्ट्स शूज मैंने ज्यादा नहीं मंगवाया रेड टेप के। दिस वन इज रियली गुड, इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, आई थिंक आई एम इन लव। ग्रे कलर सुपर अमेजिंग। ये सारे हॉल्स दिखाने का ना आपको एक मेन मतलब ये है, क्योंकि ये अक्टूबर के मंथ में आपने देखा होगा कितने ज्यादा मैं एक्टिव रहा हूं अपने हॉल्स के साथ, इसलिए क्योंकि Amazon भी चाहता था कि मैं उनके साथ वीडियोस बनाऊं, और साथ ही साथ मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को बेस्ट फायदा मिले, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बस लग जाऊं, वरना तो मैं अपने व्लॉग्स जो है वो रेगुलर चालू रखता। इस मंथ में प्रोबेबली आई डोंट थिंक कि प्रॉपरली मैंने कोई भी व्लॉग किया होगा, लेकिन अब यू नो थोड़े टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि प्रॉपर एक व्लॉगिंग को ना फुल शॉट दिया जाए, एंड इधर उधर के जो काम है थोड़ा सा उनको थोड़े टाइम यू नो थोड़ा थमाया जाए, एंड थोड़ा सोचा जाए कि अपना यार इस पे अपने को फ्यूचर बनाना है ना, तो बस चीता यही बनना पड़ेगा, बाकी जगहों पे थोड़ा सा अगर हम यू नो गीदड़ भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने एक और वीडियो में पहले पूछा था, आप लोग क्या चाहते हो देखना, ब्लॉग्स, हॉल्स या मिक्स ऑफ बोथ, मुझे कमेंट में बताना। लेकिन अगर आप मिक्स ऑफ बोथ बोलोगे तो मैं ये समझूंगा कि आप ब्लॉग्स ज़्यादा देखना चाहते हो एंड हॉल्स कम, तो आपके ऊपर है कि किस तरीके से आप देखना चाह रहे हो, क्या क्या आप आगे करना चाह रहे हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत ही जल्द हम लोग 1 लाख भी क्रॉस करने वाले हैं, एंड अगेन बहुत बड़े बड़े गिव अवेज मैंने रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा टाइम और वेट करना मेरे भाई लोग, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं आज का शू हॉल, एंड आप लोगों से मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट।